जो उलमा हैं और मुख्तलिफ अदियान के जो रहबर हैं वो इस हवाले से बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तो मौजूदा सूरत हाल में मजमूई तौर पर हमारा रवैया कैसा होना चाहिए, इस हवाले से हमने बात भी की, और कोरोना वायरस की मुश्किल सूरत हाल में तदाबीर किस तरह की अपनानी चाहिए, हम वायरस से होने वाले मुमकिन नुकसान के बारे में अवाम नाज को जो आगे ही दे सकते हैं। तो एक बात हमने ये तय कर ली कि शायद ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन हमने देखा कि जिस तरह से आप यहाँ पर बैठे हैं और जिसके बारे से हम बात भी कर रहे हैं, तो वो तमाम इदारे भी काम करते रहे, तो इंफरादी और इज्तमाही तौर पर इदारों और लोगों की क्या जिम्मेदारी समझते हैं कि लोगों को आगे ही देने के हवाले से, उनको बावर कराने के हवाले से, ताकि वो उन पैसों की इस पर अमल करा सकें। सबसे पहले मेरी तरफ से आपको असलामुअलैकुम। मैं सबसे पहले इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन और सोशल साइंसेस का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने ये प्रोग्राम स्पॉन्सर किया, और हम लोग तकरीबन जब से ये कोरोना वायरस का सिलसिला शुरू हुआ है, इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशल साइंसेस के ज़रिए से बहुत सारे जो है वो कंपेन के प्रोग्राम्स हमने चलाए हैं, जिसमें टीवी चैनल्स पर जो है ऐड की सूरत में कोरोना वायरस के मतलब हमने गाही दी कि इससे क्या नुकसान हो सकते हैं। अब क्योंकि हमारे किरदार का अगर देखा जाए तो हुकूमत ने जो किरदार अदा किया है वो सबके सामने है, लेकिन हुकूमत क्या कर सकती है, सिर्फ हमसे रिक्वेस्ट कर सकती है, हमसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। ठीक है, सबसे बड़ा जो किरदार है वो हम सबका है, ये फ़र्ज़ सबका है, किसी हम एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी नहीं कर सकते कि जी उन्होंने ये ज़्यादती किया है, क्योंकि हुकूमत का जो काम है वो अपना काम कर रही है, जो हमारा काम है वो हमने करना है। ठीक है, अब अगर मैं एक बेशक हूँ, मेरा काम जस्टिस से रिलेटेड है, तो मुझे उन लोगों तक रसाई करनी है, फिर जो हमारे दूसरे लोग हैं जो हमारे करीब बसते हैं, उसमें चाहे कोई मुस्लिम है कोई भी है, वो हमारा सबसे पहले पाकिस्तानी बहन है, तो उन तक हमने पहुँचना है, क्योंकि हुजूर यीशु मसीह ने फरमाया कि तुम अपने हमसाए को अपनी मानन चाहते हो, यानी कि अगर तुम अपने आप से तो प्यार करते हो तो दूसरे को भी उसी नज़र से देखो, तो हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम दूसरों को आगाही दें। वजह क्या है कि आलमी तौर पर तकरीबन जो नुकसान हुआ है अभी तक, उसमें तकरीबन कोई 50 करोड़ लोग गुर्बत का शिकार हो जाए, और पाकिस्तान में इसका रेशो जो है वो करीबन 1 करोड़ लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर के नीचे आ गए, क्योंकि इस लॉकडाउन में जब लोगों के पास खाने पीने के लिए पैसे नहीं थे, आमदन नहीं थी, क्योंकि जब किसी की आमदन ख़त्म हो जाती है ना तो उसके वसाइल भी ख़त्म हो जाते हैं और वो कई तरह के मसाइल में गिर जाता है। अब पाकिस्तान में भी यही हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान कोई तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है, बल्कि हम तरक्की पजीर ममालिक में गिने जाते हैं, और जहां हुकूमत का किरदार है वो काबिल तारीफ है कि उनसे जो कुछ हो सका है उन्होंने किया। अच्छा, इस सिलसिले में भी मकामा हुआ इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, क्योंकि इबादत गाहों में जी महदूद